नवम्बर मतलब में बुलिश क्लोजिंग के बाद स्टॉक ने दिसंबर में भी अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा जो इंडिकेट करता है की स्टॉक अपसाइट पे मौजूद प्राइस के लेवल्स को एम कर सकता है इन लेवल्स में सबसे पहला टारगेट हमारे पास आता है अराउंड 11

वैलिड जोन में सपोर्ट ले सकता है फर्दर डाउन स्टॉक करने की कोशिश करें वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पीरियड में स्टॉक इस एक्सपेक्टेड के आने वाले टाइम में अपनी इनिशियल रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करे अपसाइट की तरफ टारगेट रिमेन सेम जो कि मंथली लेवल पे मैं थे हाउ एवर डाउन पे अगर स्टॉक सेलिंग प्रेशर में आता है तो स्ट्रॉ सपोर्ट को टेस्ट करने से पहले स्टॉक विल एंड एरिया में करंटली स्टॉक जिस एरिया में मूव कर रहा है ये एक करेक्शन का जोन है अगर स्टॉक इस जोन से बाहर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहता है तो इट विल हेल्प फोजी फूड्स टू टारगेट डेली रेजिस्टेंस एरिया एज शोन इन चार्ट अगर स्टॉक इस जोन से बाहर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता तो स्टॉक फर्दर रेंज बाउंड रहेगा इसी जोन के अंदर या फिर स्टॉक ब्रेक डाउन करके दोबारा से अपनी डेली सपोर्ट को रीटेस्ट करने की तरफ जा सकता है जो कि एग्जिस्ट करती है 7.20 से लेके 7.65 तक सो पे कंप्लीट होता है हमारा फौजी फूड्स का टेक्निकल एनालिसिस सो इफ यू आर फाइंडिंग द कॉन्टेंट वेल्यूएबल मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आर ग्रोथ सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं आप हमें अपना वेलुएबल फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट कैपिटल्स डेन पे दे सकते हैं थैंक्स फॉर योर टाइम